We have two guests. One is Aziz Bhai. He's from Gujarat. Aziz Bhai, you please, because he is a regular participant of every program of NCMEI, whether it is in any place in India, he present. So, please. अस्सलाम वालेकुम। अब जब गुजरात का नाम पड़ता है तो अभी जैसे रेहान आपा ने याद किया कि हम गुजरात से बाहर कहीं भी जाते हैं तो पहला ही सवाल होता है कि 2002 में मुस्लिम की क्या हालत थी और आज क्या हालत है। सबसे पहले दो क्वेश्चन हमें पूछा जाते हैं। तो अभी अल्लाह करम है, गुजरात काफ़ी कुछ मुस्लिम आबाद है, और मगर उसमें हमारे जो एजुकेशन में सबसे बड़ा हमने जो एक अचीवमेंट हासिल किया है, क्योंकि गुजरात माइनॉरिटी एजुकेशन फेडरेशन का मैं गुजरात का जनरल सेक्रेटरी हूं, तो हम लोगों ने 2000 में इसका फाउंडेशन मिस्टर एंड मिसेस इनामदार के हाथों से किया था। तो मैंने पहली डायरेक्टरी बनवाई थी तो मेरे गुजरात में मुस्लिम स्कूल 198 थे। आज अल्लाह का ये करम है कि 2012-13 की मेरी डायरेक्टरी बन रही, 800 से ज़्यादा मुस्लिम स्कूल हो गए। तो ये गुजरात का प्रोग्रेस है, और ये मगर ये किया किसने, हमने किया, आपने दिया, मैंने दिया, और जो भी हमारे दो दो साल की एडवांस ज़कात निकली और ये सब इदारे बन गए। और गर्ल्स एजुकेशन के बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि गुजरात में मुस्लिम लड़कियां आज टॉपर्स में है, और इनकी 64% है, हमारी 65%। ये गर्ल्स एजुकेशन का हमारा गुजरात का डेटा है। और मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लड़की को दहेज मत दे, डिग्री दे, क्योंकि दहेज देने में हो सकता है उसके घर में दहेज झगड़ा करा सकता है, ये देवरानी का, ये जेठानी का है, मगर डिग्री दोगे तो वो कोई छीनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक ही मोमेंट गुजरात में चलाई है कि लड़की को एजुकेशन दो, और कुछ देना है तो डिग्री दे। तो गुजरात में काफ़ी कुछ मेहनत हो रही है एजुकेशन के पीछे। 2005 के हमको 2005 तक थोड़ा तकलीफ थी, 2005 में आपका जो ये NMC जो हुआ, हाँ, जब 24 जून को सबसे पहले मैंने इनामदार साहब के कहने से जस्टिस सिद्दीकी साहब को मैंने अहमदाबाद में इनवाइट किया था, सबसे पहली विजिट गुजरात की थी। और अभी तक गुजरात में हमें माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, तो हमें माइनॉरिटी कमीशन के पास जाना पड़ता था। हम लोगों की थोड़ी मेहनत से मोदी तक हम लोग पहुँचे, एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुँचे। आज एक साल से ये हालत कि भाई गुजरात में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू होना चालू हो गए, जो स्टेटस सर्टिफिकेट नहीं देते, हमको NMC तक जाना पड़ता था। तो मैं गर्ल्स एजुकेशन के साथ साथ हम टोटल एजुकेशन पर भी गुजरात में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह करम आप लोगों की दुआओं से हम सक्सेस भी हो रहे हैं। 2005 के बाद हमारे पर्टिकुलर मुस्लिम इदारों को कोई परमिशन की कोई तकलीफ नहीं। 2005 तक थोड़ी तीन या चार साल हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, मगर 2005 के बाद इजीली कर दिया पर्टिकुलर मुस्लिम इदारों के लिए, क्योंकि उसके पीछे हमको लड़ना पड़ा और काफ़ी लड़ना पड़ा। मेरे खुद के इदारे तो मैं चला ही रहा हूँ गुजरात बड़ौदा में, मेरे वहाँ ये हाल है कि एक मुस्लिम पॉकेट में तांदल जाए, जो दूसरा जुहापुरा अहमदाबाद को छोड़ के ना सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिमों का होता है बड़ौदा में तांदल जाए, तो वहाँ हम लोग मेरे वहाँ 65% लड़कियाँ हैं। क्यों? अपने मुस्लिम ये सोचते हैं हमारे गुजरात का मुस्लिम के लड़का है साइकिल चला दोगे किसी भी स्कूल में डाल दो, मगर लड़की को अपने ब्लॉक में रखो, सेफर साइड देखते। और मेरे वहाँ हर क्लास में मेरे 9-10 के 2-2 क्लासेस है, उसमें 65% से ज़्यादा बच्चे, 65-70% मेरे वहाँ लड़कियाँ। तो मैंने लड़के और लड़कियों के क्लासेस ही अलग कर दिए, तो पेरेंट्स और भी खुश हो गए कि चलो भाई कम से कम एक ही बिल्डिंग में कोऑप एजुकेशन में इनको अलग बिठाते तो है। तो अभी अल्लाह करम है गुजरात का माहौल काफ़ी अच्छा है और मुस्लिम आबाद है। आबाद किसने? आप लोगों ने, हम लोगों ने किए, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए ना स्टेट गवर्नमेंट ने दिए, क्योंकि 2002 में जो हमारी हालत थी, जब ये माफ़ करना मुझे अगर किसी को बुरा लगे, तो जब ना कांग्रेस हमारी थी ना BJP हमारी थी, जब दो ही पार्ट थे, हिंदू हिंदू था और मुस्लिम मुस्लिम था। हम लोगों ने बहुत फेस किया, जैसे रेहान आपा, हम लोगों ने ऐसे नज़ारे देखे हुए। मैं जब गवर्नमेंट में था 3 महीने मैंने छुट्टी लेके यही काम किया, आपने दिया,
मैंने लिया, उसको पहुंचाया, आपको उसके रिसिप्ट दे दी। ये काम इंगुली बताने के नहीं कि हम लोगों ने 2002 में जब गवर्नमेंट में क्लास वन ऑफिसर था, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम किए। और आज गुजरात में लड़कियां आबाद है और ज़्यादातर मुस्लिम लड़के लड़कियां स्कूलों में जा रहे हैं, ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी कम हो गया है। इसके पीछे मेहनत करनी पड़ी हम लोगों को। और मैं जब भी NMC से मुझे मेल मिलता है, मैं डेफिनेटली वहाँ पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरा एक शौक रहा है, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी 64 सालाना हो गई है और मैंने कौम को वक्फ कर दिए, इसी के लिए जीना मरना इसी के लिए हो गया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।